अभी और थर्ड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कार्नी को, जो कि उसी फॉर्मेशन के अंदर कैद हुआ रहता है। और यहाँ पे डिमोन लॉर्ड कह रहा होता है कि यह फॉर्मेशन मेरा आखिरी चांस है इस लड़ाई को एक ही बार में ख़त्म करने का। और वो यहाँ पे अटैक कर देता है उस फॉर्मेशन के जरिए उसके ऊपर। और यहाँ पर सोचा होता है क्या मैं सच में इस अटैक के साथ ये लड़ाई यहाँ पर समाप्त कर सकता हूँ। और यहाँ पर जेंडर को दिखाता है जो कहता है हालाँकि यह अटैक सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन जो स्पेल अभी डिमोन लॉर्ड यूज़ कर रहे हैं ना वो 5th लेवल का है, और मुझे तो नहीं लगता कि 5th लेवल का स्पेल उसको हराने के लिए काफ़ी होगा। और तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो कार्नी रहता है ना, वो अपने ऊपर एक मून को समन कर लेता है। और फिर डिमन लॉर्ड उसको देख के कहता है अब ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे फिर हमें कार्नी को दिखाया जाता है जो कि उस डिमन लॉर्ड के फॉर्मेशन से चलते हुए बाहर आ जाता है। और फिर डिमन लॉर्ड से कहता है अच्छा तो आप ओवरलोड के खोल के अंदर एक ऑर्डिनरी पर्सन है। और वो आगे बोलता है क्या आप वाकई कुछ नहीं जानते। और फिर वो और आगे कहता है कि ये सारी बातें बकवास है, पॉइंटलेस है। और फिर वो बताता है कि मेरे प्यारे बेवकूफ़ छोटे भाई ने आपको काफ़ी कम कमज़ोर समझा था, काफ़ी कम आका था। और डिमन लॉर्ड उनको थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है क्या कार्डिस ने तुमको मेरे बारे में बताया है और क्या तुम मुझसे यही कह रहे हो। और फिर डिमन लॉर्ड उससे आगे बोलता है क्या कार्डिस ने तुम्हें यहाँ पे मेरा सिर काटने के लिए भेजा है। और फिर डिमन लॉर्ड मनी मन में सोचता है वो डम कार्डिस फिर से हमेशा की तरह प्लानिंग के साथ में है। और फिर जो कैनरी रहता है वो बोलता है कि मेरा भाई इतना अच्छा नहीं है मेरे लिए, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो मेरे को इस बारे में बताता, मैंने तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट से खुद हासिल करी है। डिमन लॉर्ड कार्नी से कहता है और आपने ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर लिया। और वो आगे कहता है कि लगता है कि आपका अपने भाई के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। और फिर यहाँ पे कार्नी कहता है ऐसी बात पर विश्वास करने की हिम्मत भी कौन करता, मैं इसलिए मैंने स्लास के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया था, मैं उसको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने देखा इस गुफा के बाहर आपके और स्लास के बीच में क्या हुआ। और फिर वो बोलता है कि पूरी डीमन हिस्ट्री में अभी तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लास की उस छोटी सी एल्फायर के सामने खुद को डिफेंस नहीं कर सका। ये सुनने के बाद जो डिमन लॉर्ड है वो कार्नी से कहता है तो आपका ये प्लान था ना कि आप इस गुफा में छुपके से आएंगे, लेकिन यहाँ के सभी गार्डों ने आपको देख लिया तो आपने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए मार डाला। और आप क्या करना चाहते थे कि आप यहाँ पर आएंगे मुझसे लड़ेंगे और मेरी जान ले लेंगे। और डिमन लॉर्ड आगे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे हराने के बाद जो किंगडम में अपकमिंग इलेक्शन होने वाले हैं ना उसमें एल्फ काउंसलिंग तुम्हारा साथ देगी। और डिमन लॉर्ड आगे कहता है ऐसा करने के बाद भी आप एल्फ किंगडम के अगले लीडर नहीं बन पाएंगे, और आपको पता है कि आप अपनी ताकत से अपने भाई को नहीं हरा सकते। और ये सब सुनने के बाद जो कानेरी रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, काफ़ी शॉक हो जाता है। और यहाँ पे डिमन लॉर्ड कहता है आप जानते हो ना मैं सही कह रहा हूँ कानेरी। और डिमन लॉर्ड आगे कहता है इडियट आप जैसा आदमी कभी भी लंबे समय तक सिंहासन नहीं रख सकता। ये सुनने के बाद कार्नी कहता है क्या कहा आपने। डिमन लॉर्ड आगे कहता है भले ही आप मेरा सिर काट दो पर क्या आपको सच में लगता है कि मेरा सिर काटने के बाद आप यहाँ से ज़िंदा निकल जाएंगे। और डिमन लॉर्ड की ये बात सुन के कार्नी कुछ नहीं कह पाता, बिल्कुल चुप रहता है। और फिर डिमन लॉर्ड आगे कहता है फिर डिमन लॉर्ड आगे उसको कहता है कि सबसे पहले ये कार्डिस था जिसने मेरे चेंज बिहेवियर के बारे में पता लगाया था कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, चेंज हो गया हूँ। और फिर वो आगे कहता है क्या आपने कभी सोचा कि कार्डिस ने ये वाली बात पूरी सेना में क्यों नहीं बताई, और वो ऐसा करेगा भी क्यों, ज़रा खुद से पूछो। और फिर डिमन लॉर्ड कहता है क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा सतर्क है और वो शायद इस बारे में सब जानता था। कार्डिस बहुत ज़्यादा सावधान है, वो हर चीज़ के बारे में पहले से बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर लेता है। और डिमन लॉर्ड आगे कहता है क्या होगा अगर उसने मेरे बारे में जो भी पता लगा है वो सब गलत हो। और डिमन लॉर्ड आगे कहता है क्या वो सच में ये प्रूव कर सकता है कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, शायद ऐसा भी तो हो सकता है मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ और ये सब मैंने ही खुद से प्लान करा हो। और जेंडर यहाँ पे इन दोनों को देख के सोचता है और कहता है आखिर मैजेस्टी उससे किस बारे में बातें कर रहे हैं। और डिमन लॉर्ड उससे पूछता है क्या तुमने कभी रोल प्ले के बारे में सुना है, मुझे लगता है कि तुमने सुना ही नहीं होगा। और फिर वो कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो गई हो, इस बारे में भी तो सोचो जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन जानबूझकर लीक की गई हो ताकि ये तुम तक पहुँचे और तुम उसके बिछाए गए जाल में फंस जाओ। और फिर डिमन लॉर्ड कहता है वैसे क्या आप बेट लगा सकते हैं कि अभी इस गुफा को कार्डिस के आदमियों ने घेर के रखा होगा हर तरफ से। और फिर डिमन लॉर्ड उससे आगे कहता है अगर आप मेरा सिर काट कर इस गुफा के बाहर ले जाएंगे तो आपको क्या लगता है क्या होगा आपके साथ, मैं बताता हूँ शायद पूरे डीमन किंगडम में आपको धोखेबाज घोषित कर दिया जाएगा। और जो कहने रहता है वो ये सुन के कहता है रुको रुको इतनी तेज़ी से बात करना बंद करो। और फिर डीमन लॉर्ड कहता है
क्या ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ है? तुम किस तरह के बेवकूफ़ हो? और डिमन उड़ा के कहता है, ये रीज़न है कि तुम इन सब के बारे में नहीं समझ सकते। और आपको देख के ये क्लियरली समझ में आता है कि आपने इन सब के बारे में पहले सोचे नहीं था। और डिमन लॉर्ड उससे पूछता है, तो आप किंग बनना चाहते हो ना, तो बताओ आप किंग क्यों बनना चाहते हो? और फिर डिमन लॉर्ड उससे आगे कहता है, इस बात में कोई शक नहीं कि जो किंग का काम है ना वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। और अगर मैं आपको अभी यहीं पे मार दूँ तो भी मेरा यहाँ पे कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। और डिमन लॉर्ड आगे कहता है, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करोगे। अगर मैं कार्डिस होता तो मैं ये सोचता कि आप जैसा बेवकूफ़ एल्फ मेरे इस पूरे गेम में सिर्फ एक मोहरा है। और फिर डिमन लॉर्ड उसे बोलता है, तो बताओ ये सब जानने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? और फिर यहाँ पे डिमन लॉर्ड मनी मन सोचता है, अगर आप अपने अपोनेंट को नहीं हरा सकते तो जीतने के लिए उसे अपने रास्ते से हटा दो, रास्ता बिल्कुल साफ कर दो कि आप अकेले भागो और जीत जाओ। और फिर यहाँ पे डिमन लॉर्ड सोचता है कि कमज़ोर के पास जीतने के लिए कमज़ोर रास्ता तो होता ही है। और फिर यहाँ पे डिमन लॉर्ड कहता है, क्या वो मेरी बातों में फंस गया, मेरी बातों में गिर गया? और शायद क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया उसे फंसाने का? और फिर यहाँ पर हमें कार्नी को दिखाया जाता है, जो कि डिमन लॉर्ड से कहता है, आप में सच में पुराने ओवरलोड की तरह कुछ भी बात नहीं है। वो पुराना ओवरलोड तो एकदम दबंग हुआ करता था, दबंग टैलेंटेड। और वो आगे कहता है कि और ओवरलोड को कब से पॉलिटिकल मामलों में दखल देने का टोक चढ़ गया। और कैनरी आगे कहता है, आप अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, अपनी असलियत छुपाने के लिए। और वो आगे कहता है, मैं अपने भाई जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अपनी अकेली ताकत के साथ तुम जैसे किसी को भी मार सकता हूँ। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे भाई ने फ्यूचर में मेरे लिए क्या क्या प्लानिंग करके रखी हुई है, मुझे बस इतना करना है कि मुझे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना है, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो कैनरी जो रहता है डिमन लॉर्ड की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि जब तक मैंने ये वाला मून समन करके रखा है ना, यहाँ पे मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेरी कॉम्बैट एबिलिटी इसके मतलब कि इंक्रीज हो चुकी है इस मून की वजह से। और अब तुम्हारी छोटी मोटी तरकीबें मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, तुम्हारी अनोइंग ट्रिक्स। और ऐसा कहते हुए वो डिमन लॉर्ड की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। डिमन लॉर्ड ये देख के अपना फ्लेम वेरियर एक्टिवेट करता है। ये देखने के बाद कैनरी कहता है, तुम ये यूज़लेस थिंग फ्रिके से यूज़ कर रहे हो, ये यूज़लेस है मेरे सामने। और ऐसा कहते हुए वो तेज़ी से टक्कर मारते हुए डिमन लॉर्ड की तरफ निकल जाता है। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि जो कैनरी रहता है ना, उसने डिमन लॉर्ड का पैर भी काट दिया रहता है, उसके हाथ में ही रहता है पर। फिर यहाँ पे कैनरी कहता है, सेबेस्टियन तुम तो बहुत ज़्यादा स्लो हो। और फिर यहाँ पे हमें डिमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसमें आग लग चुकी रहती है और वो यहाँ पे तड़प रहा होता है। और सेबेस्टियन का जो पैर है ना वो यहाँ पे भी कट चुका रहता है। और यहाँ पे ये जेंडर देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और फिर यहाँ पे हमें कैनरी को दिखाया जाता है जो डिमन लॉर्ड का पैर फेंकते हुए कहता है, ये तुम्हारा अंत है सेबेस्टियन, अब तुम नहीं बचने वाले। वैसे भी इस बार मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करा है और इस वाली आग को जो तुम्हें लगी है ना, इस बार तुम्हारा कोई भी आइस स्पेल इस आग को नहीं बुझा सकता। और फिर वो आगे कहता है, द ओवरलॉर्ड आखिरकार मेरे सामने चलकर राख हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद वो हंसने लगता है। और फिर यहाँ पे डिमन लॉर्ड को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है कि ये बहुत दर्द दे रहा है, ये मुझे बहुत दर्द कर रहा है। और फिर यहाँ पे जो डिमन लॉर्ड है वो सोचता है कि क्या मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और यहाँ पे जो इंटरनल फ्लेम रहती है वो कहती है, मास्टर जी अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, मैं अभी भी आपको इससे बचा सकता हूँ। और फिर यहाँ पे जो इंटरनल फ्लेम है फ्लेम कहती है, आप शायद अभी भी एल फायर से मुकाबला करने के तरीके सीख सकते हैं, प्लीज़ हार मत माने। और यहाँ पे डेमन लॉर्ड इंटरनल फ्लेम को सॉरी कहता है और कहता है कि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है और आखिरकार मैं इस दुनिया का भी नहीं हूँ। और ऐसा कहते हुए वो शहीद हो जाता है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है डिमन लॉर्ड की आँख खुलती है, फिर वो खुद को बिस्तर पे पाता है, फिर वो उठता है बिस्तर से और इधर उधर देखने लगता है। और फिर वो नोटिस करता है कि वो हॉस्पिटल में है। और फिर वो बेड से नीचे उतरता है और फिर अपने हाथ और फिर वो बेड से नीचे उतरते हुए कहता है, लगता है कि मैं वापस आ गया। और फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है, फिर वो अपने हाथ में नोटिस करता है कि उसकी उंगली पर वो वाली अंगूठी रहती है जब वो ओवरलोड की बॉडी में था, जब भी थी। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि वो चलते हुए गेट की तरफ जाता है और गेट खोलता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें भी दिखाया जाता है उस गेट के बाहर कुछ नहीं है सिवाय एक बड़े से ब्लैक होल के। और फिर उस ब्लैक होल से आवाज़ आती है किसी की जो इससे कहती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और ये सुनने के बाद जो डिमन लॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और फिर किसी वही आवाज़ आती है और बोलती है, क्या तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझसे भागने की हिम्मत कर रहे हो? और ऐसा कहते हो वो आवाज़ उसको वो ब्लैक होल रहता है ना वो उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। और फिर यहाँ पे डिमन लॉर्ड अंदर की तरफ जाने लगता है। फिर वो जाते जाते अपनी अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, फिर वो कहता है, ढत्तरे की ये तो फंस गई मेरी उंगली में। और फिर ऐसा कहते हुए वो ज़ोर से चिल्लाते हुए चला जाता है उस ब्लैक होल के अंदर। फिर हमें यहाँ पे दिखाया
जाता है डिमोलोडक एक अलग ही जगह पे आ जाता है पत्थर जैसे जगह पे, और वहाँ पे आके गिर जाता है और फिर लुढ़कते लुढ़कते किनारे पर आ जाता है लावा के, और नीचे देखता है कि लावा ही लावा है, और वो यहाँ पे कहता है आखिर में ये किस जगह पर आ गया, और फिर वो नीचे की तरफ देख रही है, और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अलेक्जेंडर को और उस एल्फ को जो कि कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं, और फिर हमें भी दिखाया जाता है यहाँ पर ओवरलोड की बॉडी को जो कि अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई होती है, और यहाँ पे ओवरलोड कहता है कि क्या तुम सबको पता है कि एक ओवरलोड होने का मतलब क्या होता है, और इसी सस्पेंस के साथ अपने वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आपको जानने के लिए आगे क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।